वेलकम टू मनीष राव क्लास। आज 11 मार्च स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। पहली करंट अफेयर है 2022-23 के लिए सीआईआई कर्नाटक के अध्यक्ष बने अर्जुन रंगा। अर्जुन रंगा को 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ कर्नाटक राज्य परिषद ने नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वह ऑल इंडिया अगरबत्ती मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष भी है। वह पहली बार 2017-18 में सीआईआई मैसूर जोन के अध्यक्ष थे। श्री विजय कृष्ण वेंकटेशन को नए उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट है DSP MF ने लॉन्च किया निफ्टी STL प्लस GSEC जन 2028-30 इंडेक्स 40 फंड। DSP इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स ने DSP निफ्टी STL प्लस GSEC जून 2028 इंडेक्स फंड लॉन्च करने की घोषणा की है। एक ओपन एंडेड टारगेट मैच्योरिटी इंडेक्स फंड है जो जून 2028 में लगभग 6 साल बाद मैच्योर होगा। पोर्टफोलियो को केवल सरकारी प्रतिभूतियों में सरकारी प्रतिभूतियों और राज्य विकास ऋण के बीच 70-30 के विभाजन के साथ निवेश किया जाएगा। नेक्स्ट है स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में आंध्र प्रदेश ने बरकरार रखा शीर्ष स्थान। आंध्र प्रदेश सरकार ने एक बार फिर स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान, ओडिशा तीसरे स्थान, गुजरात चौथे स्थान, महाराष्ट्र पाँचवें स्थान पर और तेलंगाना छठे स्थान पर रहा है। आंध्र प्रदेश ने पुलिस और सुरक्षा, कृषि, जिला प्रशासन और ग्रामीण विकास में भी शीर्ष स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट है सी एस श्रीसंत ने की प्रथम श्रेणी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा। मार्च 2022 में एस श्रीसंत ने घरेलू क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने भारत के लिए 27 टेस्ट मैच और 53 एक दिवसीय मैच खेले जिसमें उन्होंने क्रमशः 87 और 75 विकेट लिए। उन्होंने 10 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 7 विकेट भी लिए। BCCI ने अगस्त 2013 में स्पॉट फिक्सिंग कांड के बाद अजीत चंदीमाल और अंकित चव्हाण के साथ श्रीसंत पर प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस जो है 10 मार्च को मनाया गया। 10 मार्च 2022 को महिला न्यायाधीशों का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। अप्रैल 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इससे संबंधित प्रस्ताव पारित करने के बाद पहली बार इस दिन का आयोजन किया गया और इसे मनाया गया। इसका उद्देश्य महिला न्यायाधीशों द्वारा किए जा रहे प्रयासों और योगदान को पहचानना है। यह दिवस उन महिलाओं और लड़कियों को भी सशक्त बनाता है जो इस समुदाय में जज और लीडर्स बनने की महत्वाकांक्षा रखती हैं।